हाय मेरे दोस्त, आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 3 का बी का क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहे हैं, जो कि ब्लूपिन विधि द्वारा हम बताएंगे। तो यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ से जो है सॉल्यूशन लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। ये अब यहाँ से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट जो ये हमारा है लिखेंगे 8x-9y = 18, और समीकरण सेकेंड को भी नीचे इसके लिख लेते हैं तो लिखेंगे 7x-12y = 24। ये अब यहाँ से क्या करते हैं, हम बाई को जो है हम बराबर कर देते हैं। तो बाई को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट वाला जो बाई के पास जो रहेगा उस समीकरण ये सेकेंड में फर्स्ट में या तो सेकेंड में चला जाएगा, और उसके बाद यानी कि उल्टा उल्टा हम कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो है जो 12 यहाँ है वहाँ चला जाएगा 12, और यहाँ जो 9 है बाई के पास ये यहाँ चला आएगा। ऐसे हम करते हैं विलोपन विधि में। तो चलिए हम इसको जो है गुना करते हैं, तो 12 और 8 होता है 96x-98 अठोतल से 108y = इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 12 18 180 180 18 2 36, ये हम जोड़ देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 के 6 और 8 3 11 के 1 हो जाएगा 1 1 2 200, हमारा कितना आ गया है 16 आ गया। अब उसके बाद जो है इसको भी इसके साथ गुना कर देते हैं, तो इसको जो है इसके साथ गुना करेंगे हो जाएगा 9 7 63 63x-98 108y = यहाँ से इसको गुना करते हैं तो 16 हो जाता है 14। ये 24 का पढ़ना है 9 मरते हुए, तो 24 का 24 चौथा 24 96 84 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
वाई आ चुका है, तो क्या करते हैं एक को प्लस एक को माइनस अवश्य रहना चाहिए तब ये कटेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं जो प्लस में है उसको माइनस बना देंगे, जो माइनस में है उसको प्लस बना देंगे। तो यहाँ जो है प्लस है तो यहाँ भी माइनस बन जाएगा। अब देखिए एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो ये हो गया जो कट गया है। तो यहाँ से जो है एक ये 96 एक्स में से 63 एक्स चला जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ एक्स का एक्स रह जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ चलते हैं इक्वल टू में 216 था, 216 में से 216 चला गया यानी ये भी कट गया, तो ये हमारा बच गया 0। तो एक्स का जो मान है हमारा आ गया है 0। ये अब लिखेंगे क्या समीकरण सेकेंड या तो फर्स्ट में एक्स का मान रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर ये। तो समीकरण फर्स्ट को देखेंगे हमारा क्या दिया गया, तो समीकरण फर्स्ट जो दिया गया है ये था 8x-9y=18। ये अब यहाँ से 8 इंटू एक्स का जो मान था क्या था 0 आया हुआ था, तो यहाँ से 0 रख देते हैं माइनस 9y=18। तो ये दोनों जो हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस 9y=18। अब इसको जो है इसका वैल्यू खत्म हो गया, ये दोनों बच जाएगा इसलिए बच जाएगा माइनस 9y=18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 9 से भागा देते हैं 18 को, दो मरते में कट जाएगा तो माइनस y=2 आ जाएगा 2। तो अब इसलिए लिखेंगे y=2 जो हमारा आ चुका है माइनस में 2, क्योंकि ये साइड अगर जो माइनस में रहता है तो वो साइड जा ये साइड अगर माइनस बाई के पास है तो वो साइड हम लिख सकते हैं माइनस में माइनस 2 आ गया। अब इस प्रकार से हमारा चूंकि ये इसलिए x=2 जो हमारा है 0 मान आ चुका है और y=2 जो है माइनस 2 आ गया है आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।